गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपका छोटा भाई भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, आज मैं सुबह के 9 बजे आपको माँ छिन्नमस्तिके मंदिर लेकर आया हूँ और आज दिखाता हूँ कि नवरात्र के लिए माँ का मंदिर कितना सजा हुआ है। आज सजते हुए आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मंदिर कितनी सजी हुई, ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कितने ज़्यादा श्रद्धालु आज माँ के दर्शन के लिए आए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस नवरात्र पर बहुत अच्छे ऐसे वीडियो आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कभी आपका भाई इस तरह का वीडियो अपलोड करे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आपको पता चले कि अभी मंदिर पर क्या हो रहा है और कितने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं ठीक माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर के ठीक सामने हूँ और यहाँ से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं आपको देर ना करते हुए सीधे आपको माँ छिन्नमस्तिके मंदिर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि नवरात्र के लिए मंदिर कितनी अभी सज चुकी है और कितना कुछ बाकी है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको माँ छिन्नमस्तिके मंदिर लेकर आया हूँ और अभी दिखा रहा हूँ कि नवरात्र पर मंदिर कितनी सजी हुई है। आज सजते हुए आज दूसरा दिन है, लगभग अभी 10% काम हुआ है, बाकी का 90% बाकी है जो कि अब तक शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों पे पूरी तरह से सजाई जाएगी। और नवरात्र के समय पे मंदिर पर खास कर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि आरती के टाइम पर इस टाइम खास करके नवरात्र के समय में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और अगर आप भी हमारे निकटवर्ती क्षेत्र के हैं और अगर आप माँ छिन्नमस्तिके के आरती पर आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें, उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ बाहर से भी साधु संत लोग आते हैं खास करके इस नवरात्र पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ छिन्नमस्तिके मंदिर, उन लोगों से आपको भी भेंट होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो एक बार ज़रूर विजिट करें और देखिए, खास करके नवरात्र के समय पर मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो गाइस, जैसे कि भी आप देख सकते हैं, नवरात्र पर मंदिर पर रंग बिरंगे फूलों से मंदिर सजाई जा रही है। दोस्तों, अभी देख सकते हैं मंदिर की सजावट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद मंदिर पूरी तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजाई जाएगी, जिससे दोस्तों लोगों की मन मोह लेती है। और क्या ही कहें कि आप जब यहाँ आएंगे तो पता नहीं इन मनमोहित फूलों को देखकर कितना देर तक यहाँ रहेंगे और कितनी सारी फ़ोटो अपनी क्लिक करवाएंगे, ये तो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, हर वर्ष ऐसी फूलों से सजाई जाती है जो कि बहुत ही भव्य तरीके से दिखाई देता है और उस टाइम माँ छिन्नमस्तिके मंदिर पर बहुत ही भीड़ भी होती है। दोस्तों, अभी मंदिर की सजावट काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, चलिए आगे और भी कुछ देखते हैं।